नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि सारण का खेड़ा में शराब दुखांतिका हुई थी, वह जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से हुई है। यह जहर हथकड़ शराब बनाने वाले गुल्ला कंजर के भतीजे ने ही मिलाई थी। मानलगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहरीली शराब दुखांतिका का खुलासा करने पर जिला कलेक्टर ने पुलिस जांच टीम को बधाई भी दी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि गुल्ला कंजर और उनके भतीजे विनोद कंजर के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। इसके चलते विनोद कंजर ने अपने चाचा को मारने के लिए शराब की बोतल में कीटनाशक मिलाया। विनोद ने वह बोतल गुल्ला कंजर को पीने के लिए दी, मगर उसने वह शराब अपने द्वारा बनाई हथकड़ शराब में मिला दी। बाद में उसने यह जहर मिले शराब अन्य लोगों को बेच दिया था। इस शराब को पीने से विनोद कंजर की मां सत्तूड़ी कंजर की मौत हो गई थी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि इस मामले में पुलिस महकमे ने जो मेहनत की उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मानलगढ़ थाने में 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ जिसमें शराब पीने के कारण टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है, उसमें पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट करके ये चीज सामने आई है कि जो मृत्यु का कारण है वो जहरीली शराब ना होके शराब में जहर का मिलना है। जो घटना हुई थी उसके बाद से जो विक्टिम्स के सिम्टम थे उन सिम्टम्स वो हमारी टीम ने एनालाइज़ किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो घटनास्थल था उस घटनास्थल के पास हमें एक इंसेक्टिसाइड की बोतल मिली थी टूटी हुई, तो उसको हमने जब्त किया और हमने 2 अलग अलग FSL एग्जामिनेशन शराब की करवाई थी जिसमें दोनों में ही शराब में मिथाइल एल्कोहल या स्पिरिट का होना नहीं सामने आया, जो जहरीली शराब जिसको हम बोलते हैं। इसमें शराब में सिर्फ इथाइल अल्कोहल जो नॉर्मल उसमें यूज़ होती है वही शराब होना दोनों लेबोरेटरीज ने इस्टेब्लिश किया। जो मृतकों का पोस्टमार्टम हुआ था उनके विसरा की डिटेल्ड एग्जामिनेशन FSL जयपुर द्वारा करवाई गई। FSL द्वारा एग्जामिनेशन में सामने आया कि इस शराब के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड है और किसी भी शराब में मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं है। उसने जो पॉइजन वाली एक एंगल है उसको इन्वेस्टिगेशन में मोड़ दिया और उसके बाद हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, तो जो बॉटल भी हमें मिली थी उस बॉटल को भी हमने एग्जामिन किया, वो भी एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड ही है मोनोस्टार नाम से। तो उसके परचेज के बारे में हमने उस जो कंपनी है उससे बात की, तो जहाँ ये घटना हुई है उसके 1 किलोमीटर पास ही महुआ गाँव से इस तरह की मोनोस्टार की 100 ml की बोतल जो है वो बिकना पाया गया। हमने दुकानदार से इन्वेस्टिगेट किया तो उससे सामने आई कि जो मृतक है सत्तू उसका बेटा विनोद उसके द्वारा ये बोतल खरीदी गई थी घटना से 8-10 दिन पूर्व। हमने विनोद से जब इस पर डिटेल पूछताछ की उसके बारे में पूछताछ की तो ये सामने आया कि उनके घर में आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। जो मृतक हैं एक गुड़ला कंजर, उनके साथ उनके द्वारा मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, उनके चरित्र पर सवाल उठाना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन सामने आए। तो विनोद इन सब बातों से दुखी था तो वो गुल्ला कंजर के लिए उसने ये कार्रवाई की थी कि वो उनकी शराब में जहर मिलाना चाहता था जिससे वो शराब को पी के मर गए। लेकिन जब वो इस जहरीली शराब को उनके पास लेके गया तो उनको थोड़ी कड़वी लगी, उन्होंने जो शराब बनी हुई थी उसके अंदर उसको डाल दी और फिर वो शराब छुपा दी। इस दौरान विनोद वहाँ नहीं था और ये शराब डिस्ट्रीब्यूट होगी सबके बीच में और इस कारण से सब लोगों की डेथ हुई जिसमें विनोद की मदर भी शामिल है खुद। मांडलगढ़ के शराब दुखांतिका के परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एवं जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसकी फॉरेंसिक की, उसके बेसिस पे जहरीली शराब से डेथ नहीं होकर शराब में जहर मिलाने की वजह से डेथ होना पाया गया है। और ये सारे तहकीकात में मैं समझता हूँ SP साहब का पूरा एनालिटिकल स्किल और उनका मार्गदर्शन में और डिप्टी साहब और उनकी साथ में पूरी जो टीम है पूरा पुलिस महकमे का टीम ने बहुत अच्छा काम करके इसकी तह तक जड़ तक जाके सच्चाई सबके सामने लेके आए हैं। तो उसके लिए मैं SP साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें सभी ने SP साहब, एडिशनल SP साहब और डिप्टी साहब सब ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम है। और साथ ही एक अभियान के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ जो भट्टियां तोड़ने का या वॉश नष्ट करने का काम, यह
आगे भी चलता रहे इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, और साथ ही इस प्रकार की शराब बनाने वाले लोगों को नवजीवन योजना के माध्यम से अन्य रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास लगातार किया जाए। जिले में नरेगा के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर नरेगा आयुक्त पीसी किशन ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में आयुक्त किशन ने नरेगा कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा आयुक्त पीसी किशन ने बैठक के दौरान जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं, फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं जन कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का भी फीडबैक लिया। साथ ही इन कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्य की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जन कल्याण के लिए मिलने वाली राशि का पूर्ण सदुपयोग पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और अंतिम तबके के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए जिला, उपखंड एवं ग्राम स्तर के अधिकारियों को विशेष मॉनिटरिंग करते हुए नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना महामारी के दृष्टिगत वर्तमान दौर में जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। जिले में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के बाद आयुक्त किशन ने इसके लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। नरेगा आयुक्त ने जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तब तक यह जागरूकता संदेश पहुंचे और आमजन जागरूक होकर कोरोना से बचने के लिए बताए गए उपायों को अपने जीवन शैली में शामिल करे, तभी हम कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून को काला कानून बताते हुए भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस द्वारा उपनगरपुर से कारोई तक पदयात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने बताया कि पदयात्रा के प्रवेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा उपस्थित रहे। उपनगरपुर क्यारा के बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद शुरू हुई सभा के बाद पदयात्रा का आरंभ हुआ। बैलगाड़ियों व पैदल चल रहे कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पुर से कारोई तक किसान आंदोलन के समर्थन में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पुर में सभा को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कानून को काले कानून बताते हुए किसानों के साथ इसे कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा कि आज देश में हर वर्ग, हर तबका मोदी सरकार की रीति नीति से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रसोई गैस, आज कोविड के दौर में जनता को राहत देने की बजाय केंद्र सरकार महंगाई दर महंगाई बढ़ा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी गहलोत सरकार ने जनता को अकेला नहीं छोड़ा और घर घर राशन पहुंचाने के साथ ही करोड़ों की सौगात जनता को दी है। सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़, जिला प्रभारी मुकेश शर्मा सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में जहां किसान आंदोलनरत है, वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भीलवाड़ा में भी आज पूर्व से लगाकर कारोई तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा रवाना हुई है। और आज इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी पधारे, भीलवाड़ा पहुँचे हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बारे में। जी सर, पूरे देश में आग लगी हुई है, किसान सड़कों पर है। आज कांग्रेस के आह्वान पे पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पे हजारों की संख्या में किसान सड़कों पे पैदल चल रहा है। किसान 3 महीने से न्याय मांग रहा है इस देश में। काले कानून किसके कहने से लेके आए? अगर किसान के हित में लाए हो तो वो तो राजी है ही नहीं। ये ज़बरदस्ती थोपने का सिलसिला क्यों शुरू किया? वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन जनता में ये बता नहीं पाते कि कानूनों में है क्या। ये कानून काले कानून हमने इसलिए कहा, मंडियां ख़त्म कर देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अदालत में जाने का अधिकार छीन रहा है, और जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं और राशन की सामग्री आती है वो गरीब का निवाला छीन जाएगा। तो सेठ साहूकारों को किसान की गर्दन सौंपने की जो तैयारी मोदी जी ने की है बैकडोर से, बिना चर्चा के कानून पारित किए लोकसभा में, और जब किसान कह रहा है कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, तो फिर किसकी जीत है, क्यों जीत है? यही शंका का वातावरण बन गया पूरे देश में, और इसीलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये बहुमत का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बहुमत दिया है वो आपको बहुमत से उतार भी सकते हैं, ये लोकतंत्र है। और ये तानाशाही पूर्वक जो काम हो रहा है उसको कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। और किसान अगर आंदोलन करेगा देश का, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। किसान को 36 कौमों का साथ मिलेगा, 80% लोग तो खेती पे ही जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अगर फैसला लिया मोदी जी ने तो हम सड़कों पर उतरेंगे। करीब 3 महीने होने को आए हैं, किसान आंदोलनरत है, फिर भी मोदी सरकार के कान पे जूते नहीं रेंग रही, तो क्या आगे की ओर रणनीति रहेगी कांग्रेस की? ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान इस देश का संतुष्ट होना चाहिए।
अगर उसको खतरे में आप डाल के चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हो, उसकी गर्दन उनके हाथ में सौंपना चाहते हो, तो इस देश में हरगिज संभव नहीं होगा। हम सत्याग्रह करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। मतलब कानून वापस नहीं होंगे तब तक कांग्रेस लगातार आंदोलन जारी रखेगी, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी वो खुद बराबर घूम रहे हैं, और इसका खामियाजा इनको हर बार भुगतना पड़ेगा। प्रदेश में 4 चुनाव है, आप ये देख लेना कि हम विकास के दम पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये गलत नीतियों के कारण बदनाम हो रहे हैं। इन 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, इनसे जानना चाहते हैं। जी सर, किसान देखिए, आज आपने पदयात्रा देखी है, पदयात्रा में संख्या भी देखी है और जोश भी देखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग स्वस्फूर्त, यानी पूरे देश में मोदी जी के जो ये जो 3 कानून आए हैं, खेती के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, इनको वापस लेना पड़ेगा। पूरे देश की जनता आक्रोशित है, राजस्थान की जनता आक्रोशित है, इसी बात को लेकर आज पदयात्रा है। और हमारे राजस्थान में जो 4 बाई इलेक्शन है, चारों बाई इलेक्शन हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की इमेज पे, उनके विकास के जो काम किए 2 साल में हमने, उसके काम पे, कोरोना के प्रबंधन के रूप में, वैक्सीन को अच्छा करने के नाम पे हम इस बात को जान रहे हैं। और हमारे जो सहाड़ा में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ कैलाश त्रिवेदी की इमेज पे हम लोगों से कहेंगे। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी क्या कह के वोट मांगेगी, अब वो सब पूरा चेहरा उनका एक्सपोज हो गया है, चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल उजागर हो गया है। अब उनकी करनी और कथनी में भारी अंतर नज़र आ रहा है। क्या महंगाई के बारे में कहते थे, आज महंगाई की स्थिति क्या है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बारे में वो पहले क्या बोलते थे, आज क्या हो रहा है, सब जनता जान गई है। इसलिए हम 4 सीटों के चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। साथ ही रघु शर्मा जी ने जिस प्रकार बताया कि किसानों के समर्थन में लगातार कांग्रेस जब तक 3 कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे लगातार संघर्ष करती रहेगी। जीतो प्रीमियर लीग मैचों के आज तीसरे दिन भी दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज जयपुर, उदयपुरम, कोटा से भी टीमें पहुंची। सेमीफाइनल मैच आज शाम खेला जाएगा। आज के मैच सुबह मनीष फाइटर्स वर्सेस जेआरबी बुल्स के मध्य खेला गया, जिसमें जेआरबी बुल्स ने 4 रन से जीत हासिल की। एक मैच जोशीले जैन वर्सेज जीतो एसके पैंथर्स के मध्य खेला गया, जिसमें जीतो एसके पैंथर्स 4 विकेट से विजेता रही। उदयपुर टीम और जीतो नाकोड़ा 11 के बीच मैच, नाकोड़ा 11 ने टॉस जीता। टॉस करने के लिए महेंद्र नाहर यूआईटी सहायक अभियंता, महिपालम यूआईटी कनिष्ठ अभियंता रुचि मौजूद थे। फाइनल मैच कल 9 बजे होगा। आज अरियंत इंटरनेशनल स्कूल से लगभग 125 स्टूडेंट प्रतियोगिता का आनंद लेने आए। इस अवसर पर राजस्थान जोन यूथ कन्वेनर नकुल जैन, चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा, मुख्य सचिव निश्चल जैन, लेडीज विंग चेयरपर्सन संगीता बाबेल आदि उपस्थित रहे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi Cuisine Family Restaurant,
इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। जेन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इवर विटनेस्ड इन भिलवाड़ा। जीतो प्रीमियर लीग 18-21 February, लकी ड्रॉ, एंजॉय डे नाइट मैच, लाइव वॉच ऑन jitoyou.com। वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुँचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ YouTube चैनल, Facebook और lokwani.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप। इस लोगो के साथ निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर फीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर फीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति फीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। माँ दधिमती का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आजाद नगर में स्थित दधिमती मातेश्वरी के मंदिर में प्राकट्य महोत्सव दादी समाज न्यास व दधिमती मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों दीपकों की महाआरती के साथ मनाया गया। मंदिर कमेटी के ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि प्रातः मातेश्वरी का अभिषेक हवन भिरुलाल दादीज कलाश्री के सानिध्य में किया गया। न्यास प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने की तथा स्वागत उद्बोधन में प्रतिवेदन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल ओझा ने प्रस्तुत किया। सफल संचालन दधिमती मंदिर कमेटी के संरक्षक गोपाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति एवं सभी ब्राह्मण पार्षदों का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, उपसभापति रामलाल योगी, विश्वेश्वर तिवारी, भामाशाह उद्योगपति दादी समाज अध्यक्ष जगदीश शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष योगेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जमनालाल जोशी, भाजपा पूर्व युवा जिला अध्यक्ष आजाद शर्मा, न्यास के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश कंठ, गोविंदलाल शर्मा, भिरुलाल दादी, चंद्रशेखर शर्मा, हुक्मीचंद शर्मा, रमेश चंद्र दादी, मुकेश ओझा, दिलीप शर्मा, ओम व्यास उपस्थित थे। पार्षद लव कुमार जोशी, सागर पांडे, ओम पाराशर, अशोक खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। दादी समाज न्यास के अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा के पार्षद बनने पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि एवं समाज द्वारा शर्मा का साफा पहनाकर मंत्रोच्चारण के साथ अभिनंदन किया गया। अंत में 56 भोग का भोग लगाकर कन्या भोजन कराया गया। कमेटी अध्यक्ष हीरालाल ओझा ने सभी का आभार ज्ञापित किया। पंडित अशोक शर्मा न्यास अध्यक्ष उपस्थित थे। मांडल उपखंड क्षेत्र के बाकली गांव के एक भक्त 25 महीने से नंगे पैर घूम रहे हैं। बाकली के शिव सिंह राणावत पीएम मोदी को जोगनिया माता की तस्वीर भेंट करने की चाहत है। 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मांडल उपखंड क्षेत्र के बाकली निवासी हैं शिव सिंह राणावत। इनकी ख्वाहिश है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोगनिया माता की तस्वीर इन्हीं के हाथों से सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। मैं जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
चौगुना माता की तस्वीर नहीं दूंगा तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और इस संबंध में मैं अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, अमित शाह जी, नितिन गडकरी साहब, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, ओम जी बहू जी बिरला साहब, सभी से मिल जाए, एक साल पहले मिल के आया हूँ, अभी और मिल के आया हूँ, और प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ इंडिया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।